डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी में आपका स्वागत है। हम अपने अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, मेरा नाम योगेश भारद्वाज है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रेवाड़ी का जिला मीडिया संयोजक हूँ। तो आज का ये प्रोटेस्ट है, ये जो राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी है इसकी जमीन सेक्टर 20 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2015 में इसकी घोषणा की गई थी और रेवाड़ी के सेक्टर 20 में इसकी जमीन 10 एकड़ जमीन की घोषणा हुई थी, परंतु अब इस जगह को कैंसिल करके कोसली रोड पर जो चंदावास गाँव है उसके अंदर 10 एकड़ जमीन लेने की बात की गई है, परंतु वहाँ पर जब हम जाते हैं तो डबल फाटक है, घंटों लंबा जाम लग जाता है और हमारे इधर का विद्यार्थी इतनी दूर पढ़ने क्यों जाए, जब रेवाड़ी के अंदर जगह मिली जा सकती है। तो हमारा सरकार से निवेदन यही है कि जो 10 एकड़ जमीन गांव चंदावास में लिए उसे रेवाड़ी सिटी में लेकर वहां पर राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी का निर्माण किया जाए। अभी क्या कुछ प्रॉब्लम है, कब से क्लासेस लग रही है, 2015 से क्लासेस नहीं, ये 2017 से क्लासेस लग रही है, जो महाविद्यालय वो विद्यालय भवन में लगाई जा रही है, वहाँ पर 5 कमरे हैं तो विद्यार्थियों को वहाँ पर भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय राज्यपाल महोदय जी से कि इस बिल्डिंग की जमीन जल्द से जल्द रेवाड़ी शहर में उपलब्ध कराई जाए, वह भवन निर्माण का काम शुरू करवाया जाए। आपको पता है कि हम किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मेनली प्रॉब्लम लड़कियों को ही होती है क्योंकि काफ़ी लड़कियां होती है जो काफ़ी दूर दूर से भी आती हैं, कई गांव से भी आती हैं, तो उन्हें यहां पर आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कहीं बस का ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं ऑटो का ट्रैवल करना पड़ता है। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे रेवाड़ी में ही इसी कॉलेज को आगे बढ़ाया जाए, यहीं पढ़े लोग और हमें यहाँ की जगह ही अलॉट की जाए। अभी जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स है और कब से क्लासेस लग रही है? ये 2017 से क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तब से ही लग रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे, रूम्स की भी दिक्कत होती है, टीचर्स भी अलॉट कम है यहाँ पे, तो पीरियड्स भी कम ही लगते हैं, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। भारद्वाज है, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम लड़कियों को भी बहुत प्रॉब्लम होगी, यहाँ रेवाड़ी आने में ही हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा वो करती है, अगर ऐसे में हमारी जगह कोई और देंगे तो हमारे पढ़ाई का वो हो जाएगा, अगर हमारी फैमिली हमें पढ़ाई अलाउ नहीं करेंगी, तो रिक्वेस्ट यही कि हमें हमारी जगह में हमारे शहर में हमें अपने खुद के कॉलेज की जगह दीजिए, खुद के कॉलेज की जगह दीजिए, और यही रिक्वेस्ट है कि हम भी लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं, ऐसा करने से हमारी फैमिली हमें अलाउ करेगी जो कि हम चाहते हैं, अगर दूसरी जगह हमें शिफ्ट करते हैं तो इससे हमारा भी नुकसान और बाकी और भी लड़कियाँ जो नहीं पढ़ पाएंगी उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं मिल पाएगा, फिर हम यही चाहेंगे कि हमारी जगह पर हमारे शहर में हमें अपना खुद का कॉलेज की खुद की जगह मिले। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश व अपने शहर एवं गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।